सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग चार्ट कौन सा। आज मैं आ गया हूँ टाटा रंगीत ऑटो पे, जो कि सिचुएटेड है टालीगंज कोलकाता में। सो अगर आपको कोई भी टाटा का गाड़ी चेकआउट करना है, मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ जा रहा है, सो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। सो गाइज आज जो गाड़ी हम लोग के सामने आप देख रहे हो, ये है द 2024 टाटा नेक्सॉन, और ये जो वेरियंट है दिस इज द क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट। आप लोगों को पता है नेक्सॉन का जो लाइनअप है, क्रिएटिव जो वेरिएंट है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि आप लोगों को जो जो मतलब फीचर्स चाहिए ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर देता है। सो ये गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है ये है अराउंड 12.3 लाख। अभी अगर 10,000 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करेंगे आपको ये डुअल टोन वेरियंट आ जाएगा। सो इसका जो प्राइस है एक शोरूम प्राइस अराउंड 12.40 लाख है, मतलब 12,40,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं इसका चाबी आपको दिखा देना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चार बटन मिलता है गाड़ी लॉक करने के लिए, ये आपका फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के लिए है, ये आपका गाड़ी का बूट ओपन करने के लिए, एंड ये आपका गाड़ी अनलॉक करने के लिए। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स आप देख सकते हो। सो दिस इज द लुक एट द फ्रंट। सो कमिंग टू द फ्रंट ऑफ द कार का जो अपडेट हुआ है नया 2024 नेक्सॉन में, वो है कि यहाँ पर आपको ये नया टाटा का लोगो मिल जाता है। 2D लोगो है, काफी प्रीमियम दिखता है। अगर मैं मतलब 2023 के गाड़ी के साथ कंपेयर करूँ, ये मुझे और भी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको ये DRL मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड इसमें ऑब्वियसली आपको टर्न इंडिकेटर भी इंक्लूडेड मिल जाता है डायनेमिक स्वाइप के साथ। नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑल LED हेडलैम्प्स। तो ये आपका प्रोजेक्टर सेटअप पे है, लो और हाई बीम दोनों आपको यहाँ पर LED मिलता है। बट जो मिलता नहीं है वो है फॉग लाइट्स, बट फॉग लाइट्स आप टाटा से एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। सिर्फ टॉप मॉडल जो फियरलेस वेरियंट है उसमें ही सिर्फ आपको फॉग लाइट अवेलेबल मिलेगा। कमिंग टू द फ्रंट ऑफ द कार गाइस, सामने आपको पार्किंग सेंसर मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पर एक पार्किंग सेंसर है, वहाँ पर एक पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल जाएगा क्रिएटिव वेरियंट से, वो भी काफी प्रैक्टिकल फीचर है इन माई ओपिनियन। सो कमिंग टू द साइड ऑफ द कार गाइस, साइड से जो प्रोफाइल है आप देख सकते हो, काफी अच्छा दिखता है जो नेक्सॉन है। और ये जो कलर है दिस इज द ओशन ब्लू कलर, ये सिर्फ आपको क्रिएटिव वेरियंट पे अवेलेबल मिलेगा और कोई भी वेरियंट पे ये अवेलेबल नहीं है। टायर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, आपको यहाँ पर डायमंड का ट्रीटमेंट मिल जाता है, और इसका जो प्रोफाइल है वो है 205/60R16। तो 16 इंची का आपको टायर मिल जाता है, सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS CVT के साथ, एंड बॉडी क्लाइडिंग आप देख सकते हो पूरा गाड़ी को एकदम सराउंड करता है, एंड सस्पेंशन ट्रेबल भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर जो ORVMs है, ORVMs आपको ब्लैक कलर पे मिलेगा विद LED इंडिकेटर्स। राइट साइड का 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर है, एंड ये आपको ऑटो फोल्डेबल फंक्शन के साथ मिलता है। गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है ये आपको ग्लॉस बैक पे मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बी पिलर आपका मैट बैक पे है, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है विद बॉडी कलर डोर हैंडल्स। ऊपर आपको ये रूफ रेल टाइप डिजाइन मिल जाता है, बट ये फंक्शनल नहीं है, एंड आप लोगों को पता है ये क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है। सो यहाँ पर आपको ये सनरूफ मिल जाएगा, एंड पीछे आपको एक ग्लॉस ब्लैक में शार्क फिन एंटेना दिया गया है। कमिंग टू द रियर व्हील्स गाइस, पीछे आप देख सकते हो, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर भी ABS CVT आपको मिलता है, एंड पीछे का भी टायर का प्रोफाइल आपको सेम मिलता है 205/60R16। नाउ कमिंग टू द रियर सेक्शन ऑफ द कार गाइस, सो यहाँ से नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस कुछ ऐसा दिखता है। सो यहाँ पर आपको ये नया टाटा का लोगो मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो ओवर हियर नेक्सॉन का बैजिंग है। पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर मिलता है गाइस, एक यहाँ पर है, एक आपको इस तरफ मिल जाएगा। एंड इसका जो रियर टेल लैम्प सेटअप है मैं भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। सो ये कुछ आपको कनेक्टेड टाइप टेल लैम्प मिल जाता है क्रॉस पैटर्न में, सो काफी प्रीमियम दिखता है। एंड इसका जो इंडिकेटर है आप देख सकते हो, आपको डायनामिक स्वाइप के साथ मिल जाता है। यहाँ पर जो रिवर्स लाइट है यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिलेगा, एंड रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है। पीछे आपको कोई डिफॉगर नहीं मिलता है गाइस इस वेरिएंट पे, बट आपको यहाँ पर वाइपर मिल जाएगा, सो वाइपर यहाँ पर छिपा हुआ है, सो दैट इज देयर अलोंग विद द वॉशर। कमिंग टू द बूट गाइस, बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर आपको मिल जाता है। सो बूट इफ यू ओपन, देन बूट पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पार्सल शेल्फ, यहाँ पर आप देख सकते हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। मिडिल पैसेंजर के लिए भी आपको यहाँ पर डेडिकेटेड सीट बेल्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पर जो लोडिंग लिप है, लोडिंग लिप आपको थोड़ा सा मिलता है गाइस, अगर मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा आपको मिलता है, ज्यादा नहीं है। सो ज्यादा भारी चीजें भी आपको रखने में कोई दिक्कत होगा नहीं, बट जो मिलता नहीं है गाइस वो है 60-40 स्प्लिट, वो देना चाहिए था इन माई ओपिनियन। यहाँ पर आपको मिलेगा एक हुक, हैलोजन में बूट लैम्प आपको मिल जाता है, यहाँ पर और एक हुक आपको मिलता है, यहाँ पर भी दो हुक्स आपको दिया गया है। सो एट द बैक इट्स प्रीटी प्रैक्टिकल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको स्टैब्स भी मिल जाता है। सो यहाँ पर अपना चीजें मतलब कुछ अगर आपको हैंग करना है आप यहाँ पर भी रख सकते हो। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी प्रैक्टिकल बूट, बूट स्पेस का जो इन्फॉर्मेशन है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सो बूट करते हैं बंद गाइस, एंड चलते हैं रियर सीट पे। सो बूट भाई बूट इसको बंद करते हैं। सो या सो लेट्स गो टू द रियर सीट। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइस, गाड़ी अनलॉक करते हैं एक बार। सो लेट्स गो टू द रियर सीट। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पर जो आपको मिलता है लेदरेट फिनिश, सो ये काफी प्रीमियम है, आपको ये ब्लू कलर में मिल जाता है। बाकी सब आपको यहाँ पर मैट ब्लैक में मिलता है। क्रोम पे डोर हैंडल है, ट्विटर का प्लेसमेंट है, स्पीकर का प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर आपको दिया गया है।
सीट्स के बारे में अगर बात करूं गाइस, सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश मिलता है विद डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कोई भी आपको आर्मरेस नहीं मिलता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओवरऑल सीट का जो क्वालिटी है काफी अच्छा है, स्टिचिंग के साथ मिलता है, डाइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट आपको दिया गया है। अंदर अगर हम लोग बैठेंगे गाइस, अंदर में स्पेस आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। आप देख सकते हो मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है, ये मेरा ड्राइविंग पोजिशन में सेट है एंड अंडर थाई सपोर्ट भी भाई मुझे काफी अच्छा मिल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बीच में आपको यहाँ पर मिलेगा डुअल एसी वेंट्स, बट कोई चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो मुझे एक खामी लगता है इस गाड़ी में। चार्जिंग पोर्ट एटलीस्ट एक 12 वोल्ट का सॉकेट देना चाहिए था। एनीवे यहाँ पर विद के बारे में अगर बात करूँ गाइस, दो बंदे के लिए ठीक है, तीन बंदे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। ऊपर आपको मिलेगा डोर हैंडल के साथ हुक, यहाँ पर भी आपको डोर हैंडल के साथ हुक दिया गया है। अभी बात करते हैं गाइस हेडरूम के बारे में, तो हेडरूम भाई काफी अच्छा, आप देख सकते हो कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है एंड मैं अगर ऐसे करके बैठू देन भी मुझे कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं हो रहा है। प्रीटी कंफर्टेबल एट द बैक, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, नी मतलब आपका जो नी रूम है वो भी काफी अच्छा है। सभी चलते हैं गाइस सामने, सो सामने आपको क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में क्या क्या मिल जाता है मैं सामने जाके अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको ये ब्लू फिनिश मिल जाता है, लेदर रेट पे काफी प्रीमियम है। पावर विंडो का स्विचेज है, ड्राइवर साइड इज वन टच अप डाउन, यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल मिलता है, ओआरवीएम का सब कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक ट्विटर का प्लेसमेंट, स्पीकर का प्लेसमेंट है, यहाँ पर भाई बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, थोड़ा सा पॉकेट मिलता है, आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल ये सब रख सकते हो। बट जो अच्छा चीज है वो है कि आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, सीट्स आपको अच्छा खासा मिल जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, साइड बोल्स्टरिंग काफी अच्छा है एंड ये जो फिनिश आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन पैटर्न वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है एंड यहाँ पर जो सीट्स है आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा, सिर्फ आपका जो टॉप मॉडल है जो आपका फियरलेस प्लस एस वेरिएंट है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिलता है, यहाँ पर अपना कॉइन्स ये सब रख सकते हो। सो चलिए गाइज अभी चलते हैं, बैठते हैं अंदर, एक बार सीट ढकेल लेते हैं पीछे एंड लेट्स सिट ऑन द इनसाइड। सो डोर्स करते हैं बंद एंड थोड़ा इसका जो बैकरेस्ट है वो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं गाइज। सो या दिस इज द इंटीरियर ऑफ द क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट। अभी इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इसको थोड़ा इग्निशन में देके देखते हैं कैसा लगता है इसका इंटीरियर। सो ये पूरा फायर ऑफ हो जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइज यहाँ पर आपको डुअल फिनिश मिल जाता है ब्लैक पे, यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर में टेक्सचर मिल जाता है लेदर रेड फिनिश में, बट ये ज्यादा सॉफ्ट टच नहीं है एंड यहाँ पर आपको ये कार्बन फाइबर टेक्सचर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स अगर हम लोग देखेंगे गाइज, ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पर ये डैम्प्ड फीचर मिल जाता है, लाइट और कूलिंग फंक्शन दोनों आपको मिलता है एंड भाई स्पेस में तो भाई बेस्ट इन द सेगमेंट है, मैं क्या बोलूँ। एनीवे यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये 10 इंच का सिस्टम मिल जाता है जो कि ऑलरेडी आपने मतलब बहुत अभी तो बहुत सारे मतलब नेक्सॉन में ऑलरेडी आपने देख लिया, बट जो मिलता नहीं है गाइज वो है आपका AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड आपका जो JBL मोड्स है वो आपको नहीं मिलता है क्योंकि सबवूफर आपको नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई आप यहाँ से AC कंट्रोल कर सकते हो, आपको सिंगल जोन AC मिल जाता है, यहाँ पर आप बहुत सारा आपको फंक्शन भी मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ देन आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिल जाता है, सराउंड व्यू भी आपको मिल जाता है। सो यहाँ से अपना जो 360 डिग्री कैमरा है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, सेगमेंट में सबसे बेस्ट कैमरा है भाई नेक्सॉन में, सब देख सकते हो, बहुत कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सो इट इज रियली रियली गुड गाइस। यहाँ पर आपको सामने दोनों तरफ का व्यू दिखाता है, ये पीछे दोनों तरफ का व्यू है एंड ये आपको 2D व्यू मिल जाता है। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड सिस्टम एंड टच रिस्पॉन्स तो भाई आप देख सकते हो काफी काफी अच्छा है। नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा डुअल AC वेंट्स, ऑल टच AC कंट्रोल्स आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से भी अपना जो 360 डिग्री कैमरा है वो आप इनेबल कर सकते हो। जो मिलता नहीं है गाइज वो है एक्सप्रेस कूलिंग, एक्सप्रेस कूलिंग आपको टॉप मॉडल पे मिलता है। सो जैसे आप लोग देख सकते हो कोई एक्सप्रेस कूलिंग का बटन है नहीं। नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, USB टाइप ए का पोर्ट एंड एक USB टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, मैनुअल हैंडब्रेक है। जो मिलेगा नहीं गाइज वो है वायरलेस चार्जर, बट वायरलेस चार्जर मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है क्योंकि स्लो, बहुत ही स्लो चार्ज होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक कप होल्डर, यहाँ पर भी डुअल कप होल्डर है। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे गाइज आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑटो डिमिंग IRVM जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा LED में रीडिंग लैम्प, सनरूफ का जो कंट्रोल है आपको यहाँ पर दिया गया है, सबको वन टच मिल जाता है, यहाँ से इसको ओपन और क्लोज अप कर सकते हो। वाइजर में आपको मिलेगा मिरर बट कोई लाइट नहीं है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मिलेगा एक टिकट होल्डर, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। अभी जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको डुअल स्पोक में मिलता है विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो ओवर हियर, यहाँ पर आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल का बटन, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका टेलीफोनी और इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बटन्स। 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स गाइस, आपका बेस वेरिएंट जो स्मार्ट वेरिएंट है उससे आपको 6 एयरबैग शुरू हो जाएगा। सो सेफ्टी के मामले में इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट एंड ऑब्वियसली भाई ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 5 out of 5 मिला है इस गाड़ी को। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे गाइस आपको ऑटो वाइपर्स मिलेगा, यहाँ पर आपको हेडलाइट का कंट्रोल्स मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है भाई यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलता है। सो जैसे कि ऑलरेडी आपने बहुत सारा नेक्सॉन वीडियोस में देखा है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
यहाँ पर आपका टैकोमीटर है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर लेवल है, फ्यूल लेवल है, और ये जो स्क्रीन है गाइस वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, मतलब स्क्रॉल कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पावर एंड टॉर्क, डेट एंड टाइम, यहाँ पर मेन मेनू में आप जा सकते हो, TPMS है। तो यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। डिस्टेंस टेम्प्टी यहाँ पर दिखा रहा है, फिर यहाँ पर आपका मतलब टाइम दिखा रहा है, दिस इज योर ड्राइव मोड, ऑटो रीडिंग, ये सब आपको मिल जाएगा। सो क्रिएटिव वेरिएंट का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा लगता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी गाइस, विजिबिलिटी काफी अच्छा है नेक्सॉन का, आप अपने हिसाब से सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो, सो कोई भी दिक्कत उसमें होगा नहीं आपको। एंड ओवरऑल पीछे का भी विजिबिलिटी आप देख सकते हो काफी अच्छा है, एंड उस साइड का भी विजिबिलिटी मतलब साइड मिरर्स का विजिबिलिटी भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। सो गाइज ये था मेरा डिटेल इंटीरियर रिव्यू ऑफ द 2024 अपडेटेड टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट। सो अगर आपको इंटीरियर रिव्यू पसंद आया, वीडियो का लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज इट रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज दिस वॉज माई डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2024 टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट। अभी ये जो गाड़ी है सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मैं तो बोलूंगा क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट ही है, एंड ऑन रोड तकरीबन आपका 14 लाख पे ये गाड़ी आ जाएगा। एंड इन दैट प्राइस गाइज आपको बहुत सारा फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये कलर जो है ना काफी यूनिक कलर है, पर्पल तो भाई बहुत लोग लेते हैं, बट ये जो ओशन ब्लू कलर है ये भी मुझे काफी बहुत ही एक पसंदीदा कलर मुझे लगता है। सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन चाओ।